10 साल मतलब ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स जो है वो 2024 में आएगा, मतलब ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है, तो कुछ भी नहीं हुए फैसले। 2024 के बाद क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में, तो इसके लिए देश नहीं झुकने देंगे, मैं आज हम आपके लिए तीसरे टर्म का ट्रेलर लेकर आएंगे। लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया, झारखंड वालों ने शब्द दिया। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताने लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। UAPA was a law of the UP. UPA had brought it, but they have amended it in such a way that the government can declare anybody to be a suspected terrorist, can jail him or her, and does not need to produce him before a court. There is no question of bail, and there is no need even to charge the person. If we take him to court, then you will give us our word. अगर CPM उखड़ सकती है, जो 30 साल रह के सो कॉल्ड साइंटिफिक रिगिंग करती थी, तो वो भी उखड़ सकती है। ममता जी को ध्यान रखना चाहिए कि वो CPM से संघर्ष कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। लालू जी आज खनका में जाके टोपी पहन रहे हैं, अब परमानेंट मस्जिदे में जाके नमाज पढ़ेंगे, 4 तारीख के बाद पेट कुनिया देंगे। आप कब तक टोपी पहनकर संप्रदाय विशेष के लोगों को टोपी पहनाते रहेंगे? अब ये बात संप्रदाय विशेष के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से टोपी पहनकर टोपी पहनाया जा रहा है उन्हें। लालू जी कब तक मजहबी टोपी लगा करके मजहब के नाम पर वोट मांगते रहेंगे आप? ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। देखिए आज की बड़ी खबर ये है और हैरान कर देने वाली खबर। सोचिए भारत में जिस UAPA कानून को आतंकवाद के खिलाफ ब्रह्मास्त्र माना जाता है, UAPA एक्ट आतंकवाद विरोधी कानून में गिरफ्तारी के डर से बड़ा आतंकवादी थरथर कांपने लगता है ना। UAPA जिस UAPA कानून में पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर से लेकर दाऊद इब्राहिम और अमेरिका में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू से लेकर कैनेडा में छिपा अपराधी बरार तक और भारत में कश्मीरी पंडितों के हत्यारे यासीन मलिक से लेकर दिल्ली दंगों के माहिर ताहिर हुसैन तक का नाम है ना, वो UAPA आतंकवाद विरोधी कानून, वो आतंकवाद विरोधी कानून। कांग्रेस उसी UAPA एक्ट का विरोध कर रही है। आप हैरान हो जाएंगे क्या कहा शशि थरूर ने, मतलब इंडी का एजेंडा लीक कर दिया, वो UAPA एक्ट को कमजोर करने जा रही है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है, सुनते जाइए बस अब आप, 4 जून को अगर इंडी की सरकार बनी तो आतंकवाद विरोधी UAPA कानून के कई कड़े प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब जो कानून आतंकवादियों के लिए खतरा है, उस कानून से कांग्रेस को क्या खतरा है? मतलब आप सोचिए, UAPA कानून से आतंकवादियों को खतरा है, आतंकवाद विरोधी कानून उससे कांग्रेस को क्या खतरा है? कांग्रेस कह रही है कि मतलब ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। UAPA कानून खत्म करने के अलावा शशि थरूर ने यह भी बताया कि मोदी सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता दे रही है ना, CAA। इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद CAA कानून यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित गैर मुस्लिम मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख या पारसियों को नागरिकता देने का नियम खत्म कर दिया जाएगा। आप सुनिए और सोच समझ कर इस बयान को समझिएगा कि इसके मायने क्या है। UAPA खत्म होने से किसको फायदा, कौन खुश होगा? UAPA खत्म नहीं तो कम से कम कमजोर करने की बात, प्रावधान हटाने की बात शशि थरूर कर रहे हैं। UAPA was a law the UPA had brought in, but they have amended it in such a way that the government can declare anybody to be a suspected terrorist, can jail him or her, and does not need to produce him before a court.
There is no question of bail and there is no need even to charge the person. Similarly, we don't believe that religion has any place in citizenship. As far as we are concerned, the citizenship amendment giving fast-track citizenship to refugees from neighboring countries is fine, but there should have been no reference to religion. सवाल यह कि जिस कानून को 2019 में मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ब्रह्मास्त्र माना था, उसे कांग्रेस को क्यों परेशानी, किस बात की परेशानी है? और कांग्रेस यूएपीए कानून हटाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती? मतलब आप लोग चाहते हैं यूएपीए हटे? मतलब जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, आपसे सवाल है, आप लोग चाहते हैं यूएपीए खत्म हो, आतंकवाद विरोधी कानून कमजोर हो? और अगर आतंकवाद विरोधी कानून कमजोर होता है तो इससे कौन खुश होगा, किसे फायदा होगा? संभवतः जो भी कह लीजिए जो आतंकवादी हैं या जो बनने वाले हैं आतंकवादी, उन पर उनको लगेगा शानदार फैसला है भाई, कांग्रेस आएगी यूएपीए को कमजोर कर देगी। और क्या कांग्रेस आतंकवाद विरोधी कानून को भी सवाल है तुष्टिकरण के तराजू पर तौल रही है, जबकि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए, जबकि भारत दुनिया में आप जानते हैं आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है, सबसे ज्यादा 1991 से लेकर ना 2021 तक भारत में आतंकी हमलों में 13,000 लोगों की हत्या हुई। 14 से पहले ना कोई दिन नहीं निकलता था, उस दिन ब्रेकिंग होती थी कि आज आतंकवादी हमला नहीं हुआ, हर दिन आतंकवादी हमला होता था 14 से पहले, कभी मुंबई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, हर जगह। और सिर्फ 2018 और 2022 के बीच कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए। इससे पहले भारत संसद हमले से लेकर मुंबई हमले तक दर्जनों बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। कम से कम इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कांग्रेस को आतंकवाद की भयावहता इसलिए भी अच्छी तरह समझनी चाहिए और तुष्टिकरण के तराजू में इसको नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की वजह से ही कांग्रेस के शीर्ष नेता जो हैं इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार में आने पर यूएपीए हटाने की बात कर रही है, यूएपीए खत्म कर देंगे। अबे आप सोचिए किसको फायदा होगा यूएपीए हटाने से, जबकि यूएपीए कानून जो है शुरुआत में 1967 में इंदिरा सरकार ही लाई थी। फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई कि 2019 में मोदी सरकार ने इसको बहुत सख्त बना दिया, सशक्त कर दिया, यूएपीए को ना बहुत शक्तिशाली बना दिया। फिर भी 2019 में यूएपीए कानून में संशोधन के वक्त कांग्रेस, इंडी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों ने इसका विरोध किया, कहा कि इससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ेंगे। सवाल यह कि क्या मानवाधिकार सिर्फ उन लोगों के होते हैं जो आतंकवाद के मामलों में दोषी आरोपी होते हैं? क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं होता? जो आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं, आम लोगों का, उनके परिवारों का कोई मानवाधिकार नहीं जो जिंदगी भर आतंकवाद का दंश झेलते हैं? अच्छा, मतलब क्या होता है जो शब्द है ना UAPA, लगातार आप सुन रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून का मुख्य काम आतंकवादी गतिविधियों पर स्ट्राइक करना है। इस कानून के तहत सुरक्षा एजेंसियां ऐसे आतंकवादियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकवाद में शामिल होते हैं या आतंकवाद के लिए लोगों को तैयार करते हैं। क्या हुआ, 2019 में मोदी सरकार ने कहा था कि यूएपीए को शक्तिशाली बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कमजोर कानून की वजह से ना देशद्रोहियों को सजा नहीं हो पाती। कमजोर कानून, आतंकवाद के खिलाफ एक संस्था बंद हो जाती है तो क्या होता है, उसका नाम बदल दिया जाता है, सिमी के बाद PFI के बाद कोई और नाम। तो इसलिए कानून में बदलाव जरूरी, देश विरोधी व्यक्ति और संस्थाएं नाम बदल लेती हैं, आतंकवाद फैलाती हैं। यूएपीए को बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया गया, सख्त कर दिया गया, आतंकवादियों की हालत खराब हो रही थी, देशद्रोहियों की हालत पतली थी। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे यूएपीए को लगभग जो है उसको कमजोर कर देंगे। मोदी सरकार ने यूएपीए कानून संशोधन पास करते हुए कहा था कि हमें आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना होगा। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, मोदी प्रधानमंत्री हो, राहुल प्रधानमंत्री हो, आतंकवादी तो किसी के सगे नहीं है ना। और आतंकवादियों को एक तरीके से ये एक्ट को कमजोर करके राहत देने से किसका भला है? मतलब आतंकवाद व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। आतंकवादी और आतंकवाद के समर्थक इस कानून से सबसे ज्यादा इसलिए कांपते हैं क्योंकि NIA को आतंकवादी गतिविधि में शामिल लोगों को आतंकी घोषित करने का अधिकार मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, जो व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन करता था ना उसके खिलाफ आतंकवादी विरोधी कानून में कार्रवाई नहीं हो पाती थी। यूएपीए को स्ट्रॉन्ग किया गया यूएपीए एक्ट में संशोधन के बाद। ध्यान से समझिएगा इसको, आतंकवादी हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, अब आप इन नामों को सुनिएगा
और ये समझिएगा कि अगर कांग्रेस कह रही है कि यूएपीए को हम कमजोर करेंगे तो कौन खुश होगा। क्या हुआ कि आतंकवादी हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, नू दंगों का आरोपी कांग्रेस नेता ममन खान, पत्थरबाजों का सरगना मसरत आलम, हल्द्वानी हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा, बराड़ गैंगस्टर, कई आरोपी नामजद किए गए हैं यूएपीए। कांग्रेस कह रही है हम यूएपीए को कमजोर कर देंगे। यूएपीए के तहत ही आतंकवादी संगठन सिमी पर बैन लगाया गया। यूएपीए के तहत ही आतंकवादी संगठन पीएफआई पर एक्शन किया लिया गया। पीएफआई, अब आप खुद सोच कर देखिए, पीएफआई खुश हो जाएगा, सिमी जो अब पता नहीं अभी भी एक्टिव है संभवतः वो खुश, ये सारे आतंकवादी खुश हो जाएंगे कि यूएपीए को सॉफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन अगर यूएपीए कानून अगर कमजोर करता है, वापस भी ले लेता पता नहीं कल को वापस भी ले लेंगे, लेकिन अगर कमजोर करता है तो इसका फायदा किसे होगा? भारत के लोगों को, आप लोगों को, या भारत विरोधी खतरनाक आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को? आप कांग्रेस को वोट दीजिए क्योंकि कांग्रेस आतंकवाद विरोधी कानून को कमजोर करेगी। ठीक है, यही है संभवतः शशि थरूर ने कह दिया कि आप लोग जितने भी अभी सातवें चरण का मतदान है आप कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस आतंकवाद विरोधी कानून को कमजोर करेगी। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस के नरसिम्हा राव सरकार ने आतंकवादी विरोधी टाडा कानून, टाडा TADA टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1995 में वापस ले लिया था। अभी 2001 में संसद अटैक के बाद वाजपेयी सरकार पोटा कानून लाई थी। वाजपेयी ने संसद में कहा था कि आतंकवाद से लड़ने आतंकी संगठनों और आतंकी फंडिंग के खिलाफ पोटा सबसे मजबूत हथियार है। क्या हुआ, 2004 में मनमोहन सरकार ने आते ही पोटा कानून खत्म कर दिया। तब बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस आतंकवाद विरोधी कानून तुष्टीकरण के लिए खत्म कर रही है, तब भी कहा गया था। सुनिए, देखिए शशि थरूर के बयान से आप यह समझ सकते हैं कि आखिरी चरण की 57 सीटों के लिए कैसे सियासत का स्लॉग ओवर इस वक्त चल रहा है। आखिरी गेंदे चल रही है, स्लॉग ओवर चल रहा है। कैसे विपक्ष मतलब तुष्टीकरण की पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहा है, धुआंधार मतलब आप तुष्टीकरण की पिच पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत के स्लॉग ओवर में कैसे सिक्सर पर सिक्सर मारे जा रहे हैं। शुरू है स्लॉग ओवर, इंडी का गेम ओवर, और विपक्ष कैसे हिट विकेट होने पर आतुर है। जाने से पहले आज की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर देख लीजिए, दिखाइए भाई वो तस्वीर दिखाइए। इसके लिए आपको आज RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये दरगाह पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव, ये तस्वीर दिखाइए। आज लालू प्रसाद यादव बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर बेटी मीसा भारती के समर्थन में प्रचार के लिए निकले। तस्वीरें देख रहे हैं आप लालू प्रसाद यादव की, ये देखिए आप, वो दरगाह पहुंच गए लालू प्रसाद यादव। अच्छा, गोल टोपी लगा रखी थी। लालू प्रसाद यादव ने दरगाह के पीर साहब से मुलाकात भी की। शायद दरगाह पहुंचकर लालू प्रसाद यादव जी ने संभवतः मुसलमानों से मदद मांगी, आशीर्वाद लिया, दुआ की, क्योंकि मिसा भारती पिछले दो बार से ना लगातार चुनाव हार रही हैं और बेटी को हार की हैट्रिक से बचाने के लिए लालू जी दरगाह पहुंच गए। दरगाह, लालू के दरगाह में जाने से कुछ लोगों को तेजस्वी यादव का वो बयान याद आ रहा है। याद है उन्होंने क्या कहा था मंदिर पर, राम मंदिर पर? मंदिर जाने से क्या होता है जी? राम मंदिर जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा था, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे? मंदिर जाने से पेट भरेगा? पैर में चोट लगेगी तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर? आज किसी को संभवतः पूछना चाहिए था लालू जी से, या तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि लालू जी दरगाह जा रहे हैं तो भूख लगेगी तो दरगाह जाएंगे, चोट लगेगी तो दरगाह जाएंगे अस्पताल? ये सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि आस्था का सवाल है। जैसे मंदिर आस्था का सवाल था, वैसे दरगाह आस्था का सवाल है। अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले लालू के दरगाह जाने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। इससे पहले लालू परिवार पर तब सवाल उठे थे जब चुनाव की शुरुआत में नवरात्रि के मौके पर, याद है, दो तस्वीरें देखिए, शुरुआत नवरात्रि में मछली खाने से, जब बड़ा सवाल और बहुत बवाल हो गया था, और अब जो है अंतिम चरण में लालू जी पहुंचे दरगाह। यानी विपक्ष पर तुष्टीकरण की जिस पिच पर बैटिंग करने के आरोप लग रहे हैं, मोदी विपक्ष की वो पिच, मतलब आप कह सकते हैं उसी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को बता रहे हैं कि कैसे तुष्टीकरण के लिए OBC आरक्षण में मुसलमानों की बैकडोर एंट्री हुई,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद संभवतः सुनेंगे अब आप, आपको बताने जा रहे हैं, शायद पहली बार लव जिहाद को लेकर बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है, ऐसा तुष्टीकरण की वजह से हो रहा है। संभवतः पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। आपको वो बयान सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने संभवतः पहली बार आज लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया।